देश की सूची में आए बाहरी और पैरासूट प्रत्याशियों के नाम को लेकर राजस्थान के धौलपुर जिले में कांग्रेस में बगावत के स्वर उठने लगे हैं। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस की टिकट मांग रहे सीपी शर्मा के समर्थकों में भारी आक्रोश है और इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर त्याग पत्र देने की धमकी दे डाली। आक्रोशित कांग्रेसियों ने मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। कांग्रेसियों ने कहा कि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को प्रदेश नेतृत्व पैरासूट से लेकर आया है, क्योंकि शिवचरण इससे पूर्व कभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रहे। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश के जाति विशेष के दिग्गज नेता ने इनको टिकट दिलाया है और चुनाव में कांग्रेस को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जिले की बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा को पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विधानसभा क्षेत्र में चौतरफा विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। टिकट मांग रहे पूर्व प्रधान बद्री प्रसाद जाटव ओम प्रकाश जाटव के समर्थकों ने आज बसेड़ी उपखंड के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। कांग्रेस पार्टी के संगठन पदाधिकारी और नेताओं ने बताया कि टिकट वितरण में बाहरी उम्मीदवार को विधानसभा क्षेत्र में तवज्जो दी है, जिसका इलाके में कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय नेता और संगठन पदाधिकारियों के साथ वादाखिलाफी की है, जिसका कांग्रेस पार्टी को अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर बसेड़ी प्रधान सत्येंद्र गुर्जर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस कमेटी ने जो विधानसभा के टिकट जो फाइनल किए हैं, बसेड़ी विधानसभा में जो बाहरी प्रत्याशी उतारा गया है खिलाड़ी राम बैरवा, जो सांसद रहा है, जिसकी छवि बहुत पहले भी खराब थी और इसको विधानसभा क्षेत्र की जनता बिल्कुल भी उसको नकारा मानती है, उसको बिल्कुल ही आंख नहीं चाहती, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दिया, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, यूथ कांग्रेस विरोध करती है। मैं कांग्रेस यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव होने के नाते, बसेड़ी प्रधान होने के नाते मैं उसका विरोध करता हूँ। आपको टिकट मिलेगा, हम उनके थाने में पार्टी का काम कर रहे थे और पार्टी के लिए सदस्य बने, सब कुछ पार्टी के लिए मेंबर बने, लेकिन हमें विश्वास में लेकर हमारा टिकट काट दिया गया। एक महीने से कुशवा समाज का शिवचरण डॉक्टर जो कुछ भी नहीं पार्टी में योगदान दिया है उसको टिकट दे दिया, उसको हम पूरे जोर से विरोध करते हैं। हमारे साथ कार्यकर्ता है और हम निर्दलीय चुनाव के रूप में मैदान में आएंगे। धौलपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी पंडित किशन चंद शर्मा रायाखेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पूर्व वित्त मंत्री प्रदमन सिंह के पुत्र रोहित बोहरा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पुत्र एवं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए अशोक शर्मा ने भाजपा के टिकट पर रायाखेड़ा से नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर छीतरिया जाटव और भारत वाहिनी पार्टी से दीपक कैन और बसपा प्रत्याशी उदयवीर ने भी नामांकन दाखिल किया है। भाजपा के टिकट पर लड़ रहे चुनाव छीतरिया जाटव 2013 में राजपा से चुनाव लड़ चुके हैं और वह दूसरे नंबर पर रहे। वहीं पूर्व वित्त मंत्री प्रदमन सिंह के पुत्र रोहित बोहरा अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं और आज उन्होंने अपना नामांकन कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया है, लेकिन कांग्रेस ने पहली सूची में इनका नाम घोषित नहीं किया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पुत्र एवं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए अशोक शर्मा भाजपा के टिकट पर रायाखेड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं और शर्मा पूर्व में धौलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। शर्मा का यह दूसरा चुनाव है, लेकिन इस बार क्षेत्र और पार्टी भी बदल गई है। सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल करने के बाद रैली निकाली। मैं पहला चुनाव लड़ेंगे, आपके लिए नई जगह होगी, आपको यहाँ कैसा महसूस होगा, आप किस तरह का चुनाव लड़ेंगे? मैं मेरे परिवार में चल के आया हूँ, मेरे पिता श्री बनवारी लाल जी यह सबसे पारिवारिक सामाजिक रूप से जुड़े रहे, इसलिए मैं ये महसूस नहीं करता कि मैं धौलपुर छोड़ के राजाखेड़ा आया हूँ। और हमने कभी भी राजाखेड़ा को धौलपुर के अलग नहीं माना। मनोरमा जी हैं, जगमोहन जी हैं, राजपाल जी हैं, राजा भैया हैं और समस्त बीजेपी के कार्यकर्ता जिनसे मेरे पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते रहे हैं, उनके आशीर्वाद से और सम्मानीय वसुंधरा राजे जी जो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं और सांसद दुष्यंत जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ एक सेवक के रूप में, एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा और इन सब के आशीर्वाद के साथ कोशिश करूँगा कि बीजेपी को सफलता मिले। और मैं जितने भी कार्यकर्ता हैं
उनको बताता हूँ कि जीतने के बाद भी मैं इनका मुनीम बन के काम करूँगा, इनकी जवाबदारी रहेगी मुझसे हिसाब लेने की। जानदार तरीके से लड़े जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है तो हम लोगों ने आज अपना फॉर्म भर दिया है। एक आध दिन में सिंबल आ जाएगा, उसके बाद हम सिंबल दे देंगे, जोरदारी से चुनाव लड़ेंगे। और ये हमारी मेरे ख्याल से मेरे और मेरे परिवार का ये 10वां चुनाव होगा, तो हम पूरा जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे। हमने विकास का बहुत काम कराया है राजाखेड़ा में, विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, यही मेरा। और जो समस्या है क्षेत्र की उनका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा, और प्रमुख समस्या जो शिक्षा है उसका विशेष ध्यान रखूंगा, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ। और इसमें किसी तरह से अगर कोई गरीब या कोई असहाय आता है तो उसकी भी मैं सहायता करूंगा। और मैं वचन देता हूं कि जनता की सेवा करूंगा, जो जनता मुझे कार्य सौंपेगी और उसको पूरा करूंगा, और क्षेत्र का विकास करूंगा और शिक्षा का विकास करूंगा, क्षेत्र का विकास मेरा सर्वप्रथम। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव चिलाचौंद में शराब के नशे में लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष ने एक महिला और 10 माह की बच्ची के साथ करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को बाड़ी सीएचसी पर भर्ती कराया है, जहां उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रमेश जाटव और श्री चंद जाटव में शराब के नशे में गाली गलौच लेकर विवाद की शुरुआत हुई। बताया जा रहा है कि श्री चंद शराब के नशे में रमेश के परिवार से गाली गलौच कर रहा था, जिसका विरोध रमेश ने किया तो दोनों में कासुनी के साथ हाथापाई हो गई। दोनों की हाथापाई देख आसपास खड़ी ग्रामीणों ने बीच बचाव कर दिया, लेकिन श्री चंद खुन्नस खाकर अपने घर चला गया और करीब दो दर्जन लोगों को साथ लेकर लाठी डंडों से लैस होकर रमेश के परिवार पर धावा बोल दिया। आरोपियों ने जमकर मारपीट की। मारपीट में रमेश पुत्र हरज्ञान 55 वर्ष, रामस्वरूप पुत्र भगरी जाटव 50 वर्ष, प्रीति पतली रामस्वरूप 40 वर्ष, पवन पुत्र रामस्वरूप 17 वर्ष, सुनील पुत्र दाताराम 19 वर्ष, परी पुत्री करण सिंह 10 माह आदि के गंभीर चोट आई है। घायलों को ग्रामीणों ने बाड़ी सीएचसी पर भर्ती कराया है, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। घटना आज देर रात 9 बजे की ही बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को भी मामले से अवगत करा दिया है। श्रीया दारू पे हाथ में दारू पहुआ लेके और रास्ता में जा रहो, रास्ता में सुनील नाम को मार भतीजों को खड़ो बात कह रहो, वो पुलिया के जबकि वो पुलिया को नहीं हो, वो चाचा भतीजे हो रिश्ता हो, और बांधे गाड़ी लोच दे रहे बोलियो वहीं चाहे मैं ना फिर तुम थे तो जाओ तुम दारू पिरा के है न्यू मत फला गाड़ी लोच दे गए वहाँ में दे वाले स्टार्ट कर दे, और इतने में उन्होंने रखा देवा कर दे और चले गए सब। फिर दोबारा लौट के आए कि ले तूने मारे चाचा जैसे क्यों कही है, फिर बैठे, फिर दोबारा लोग भेज दे कि भैया लड़ाई है तो ये आंधी कूद करना ने मत फिरो चुनाव के माहौल है कि नहीं तेने ऐसे से कही क्यों, फिर एकदम पूरा मोहल्ला मुख्तियार वीर वाले मास्टर करीब कितने आदमी होंगे करीबन 25 काका के हाथ में हाँ लठिया डंडा पत्थर। तो तुम्हारे घर पे आके हमला करो अभी ने? घर पे आके हमला अंदर आके? हाँ सर। कितने लोग घायल हुए? इसमें 5 लोग घायल हुए। धौलपुर जिले की बसेड़ी पुलिस को गश्त के दौरान एक ट्रक को रोकना उस समय भारी पड़ गया जब ट्रक चालक ने पुलिस की जीप को ही टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो गई, पुलिस कर्मी बाल बाल बच गए। मामला यूं है कि बसेड़ी थाना इलाके के बयाना मोड़ पर बीच सड़क पर खड़ा एक ट्रक था। ट्रक में चालक व खलासी शराब पी रहे थे। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी जीप से उतरकर उनको ट्रक हटाने की कहने गए तो ट्रक चालक ने पुलिसकर्मियों की तरफ ट्रक को बढ़ा दिया, जिस पर पुलिसकर्मी मौके से जान बचाते हुए भाग खड़े हुए। इसके बाद चालक ने जीप को टक्कर मारने की कोशिश की, जिससे जीप पीछे के हिस्से से क्षतिग्रस्त हो गई और जीप में बैठा कांस्टेबल जान बचाने के लिए जीप से कूद गया। इसके बाद ट्रक एक पेट्रोल पंप में घुस गया और रेलिंग तोड़ते हुए जगनेर मार्ग की तरफ चला गया। इसके बाद जारगा पुलिस चौकी ने नाकाबंदी कराई तो ट्रक चालक ट्रक को लेकर जारगा के निजी महाविद्यालय में घुस गया। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर ट्रक चालक को धर दबोचा। यह ड्रामा करीब 1.5 घंटे तक चला। घटना के दौरान पुलिस के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने आरोपी चालक 25 वर्षीय कीर्ति कुमार पुत्र पदम सिंह कुशवा निवासी चकदारापुरा थाना चिकसाना भरतपुर का है। मैं सरकारी जीप में गश्त करता हुआ कैलाश पेट्रोल पंप पहुंचा
वहाँ एक ट्रक 16-18 चक्का मेन रोड पर खड़ा था, उसको और उसमें दारू पी रहे थे। मैं व मेरे कर्मचारियों ने उसको नीचे उतरने को कहा। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट कर रॉन्ग साइड में कैलाश पेट्रोल पंप की तरफ कुंदा से जीप को लटकाते हुए वो कैलाश पेट्रोल पंप पर ले गया, जिसमें कांस्टेबल अनिल कुमार जीप के अंदर ही था। जब रेलिंग में गाड़ी टकराई, जब गाड़ी छोड़ी, उसके बाद हम नाकाबंदी कराई जारगा पे ट्रक, और वह उसको ट्रक चालक कीर्त कुमार को पकड़ा। फिर यहाँ मैंने वापसी पे मुकदमा दर्ज किया, हालात SHO साहब को अर्ज किया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के निदारा गांव में एक मगरमच्छ घुस जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गांव में मगरमच्छ के घुसने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पिंजरे में बंद किया। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को धौलपुर स्थित चम्बल नदी लेकर आई, जहाँ मगरमच्छ को टीम ने चम्बल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। वनकर्मी राधा कृष्ण ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे निदारा गांव में एक मगरमच्छ घुस जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और ग्रामीण काफी भयभीत थे। सूचना पर मैं टीम के साथ गांव में पहुंचे। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पिंजरे में बंद कर धौलपुर स्थित चम्बल नदी लेकर आए, जहाँ मगरमच्छ को चम्बल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया है। आज दिनांक 15/11/2018 को श्री मानव वन संरक्षक महोदय के द्वारा संदेश दिया गया कि ग्राम निधारा बाड़ी के पास में एक मगरमच्छ गांव में आ गया है और गांव वाले मगरमच्छ को देख के काफ़ी भयभीत है। हमने तुरंत हमारे विभाग को सूचना दी है, तो इसकी कार्रवाई में श्रीमान ACO साहब के द्वारा रेस्क्यू टीम का गठन किया गया और जिस रेस्क्यू टीम में श्री नितेश कुमार जी बनपाल नाका सेपू इंचार्ज और गोपाल सिंह परमार, राधा कृष्ण शर्मा, मैं खुद और रविराज सिंह परमार और श्री भगवान शुक्ला जी एवं बाड़ी का स्टाफ सांस साहेब बाबू वनपाल जी और जगदीश जी सबके सहयोग से वहाँ जा करके हमने उसको अजगर उसको पकड़ा मगरमच्छ को और पकड़ के पिंजड़े में रखा और फिर उसको लेके आए। ये घटनाक्रम रात 2 से 3 बजे तक चला। एक घंटे की काफ़ी मशक्कत के बाद उसको लेकर के यहाँ धौलपुर आए और धौलपुर चंबल पे सुरक्षित उसको छोड़ दिया। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं युवा विकास केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह एवं अन्य जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी छात्राओं को प्रदान कराई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनरूप सिंह मीणा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाल विवाह एक बुराई है, जिसे की दूर करना वर्तमान समय में अति आवश्यक है। पैनल एडवोकेट महेश ठाकुर ने कहा कि विवाह की आयु 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष लड़के की उम्र होने पर ही शादी करें। साथ ही पैनल लॉयर नीरज कड़ारी ने बताया अगर कोई भी ऐसी शादी को प्रोत्साहित देता है तो वह कानून अपराधी होगा। PLB पप्पू लोधा ने कहा कि इसमें सम्मिलित होने वाले बाराती घराती हलवाई वीडियोग्राफी वाले बैंड बाजे वाले सभी अपराधी माने जाएंगे। उनको 2 वर्ष की सजा और 1,00,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। अथवा दोनों युवा विकास केंद्र के समन्वयक डॉक्टर PK सिंह ने कहा कि इस बृहद शिक्षा एवं जागरूकता के युग में छात्राएं स्वयं दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें शादी नहीं करनी है और अपने पांव पर खड़ा होकर अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाएंगे। प्रश्न सत्र में काफ़ी छात्राओं ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न में पूछे। कार्यक्रम में हरिदास मीना, डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार, चितरमल कोहली, विष्णु कुमार, मोहन स्वरूप श्रीवास्तव, विजय राणा, नितेश मुकेश छात्र संघ अध्यक्ष राजा बेटी, उपाध्यक्ष पूजा त्यागी, महासचिव पूजा राजपूत, संयुक्त सचिव कुमारी अनीता के साथ महाविद्यालय की काफ़ी छात्राएं उपस्थित थीं। मंच का संचालन डॉक्टर राजेश शर्मा ने किया। प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर प्रदेश भर में स्वीप अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जब तक सभी का सहयोग प्राप्त नहीं होगा 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह शब्द उपखंड अधिकारी धौलपुर OP सारण ने कहे।
सहारन नगर परिषद धौलपुर द्वारा आयोजित शरद महोत्सव के अवसर पर गुरुवार की रात्रि कार्यक्रमों की श्रृंखला में मेला रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें जन जन की भागीदारी होना आवश्यक है, जिससे धौलपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हो सके। आयुक्त नगर परिषद धौलपुर शशिकांत शर्मा ने सभी से आह्वान किया कि वह 7 दिसंबर को अपने दैनिक कार्यों को विराम देते हुए सबसे पहले मतदान प्रक्रिया में भाग लें और अपने मत का उपयोग करें, साथ ही अन्य लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर सफाई निरीक्षक PK श्रीवास्तव, भारत सिंह परमार, जितेंद्र शर्मा, नसीब खान, नीरज शर्मा, विशाल गुर्जर सहित परिषद के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। जिला अग्रवाल महिला संगठन द्वारा बाल विकास के उपलक्ष्य में धौलपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय शेरपुर में आज 50 से अधिक बच्चों को गर्म कपड़े और स्वेटर वितरित किए गए। अध्यापिका अंजना मोदी ने कहा कि शेखपुर विद्यालय में अग्रवाल समाज का यह पहला प्रयास है और वह आशा करती हैं कि समाज द्वारा इस तरह बच्चों को सहयोग मिलता रहेगा। जिला अध्यक्ष रजनी मोदी ने बताया कि हमें विद्यालय के बारे में पता चला कि इसमें गरीब बच्चे ज़्यादा हैं, तो महिला संगठन ने मिलकर बच्चों को गर्म कपड़े एवं स्वेटर वितरित किए। यह हमारी छोटी पहल है। महिलाओं ने मिलकर बच्चों को मिड डे मील परोसा व खुद भी चखा, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामगोपाल ने कहा कि अग्रवाल समाज द्वारा विद्यालय के लिए जो सहयोग दिया गया है वह उसके लिए बहुत ही आभारी हैं। इस अवसर पर संगठन मंत्री मीना मित्तल, युवा मंत्री संध्या गोयल, कोठी इकाई अध्यक्ष आशा अग्रवाल, मंत्री मनीषा मंगल, युवा अध्यक्ष कपिल अग्रवाल, साधना गोयल, सपना मोदी, सीमा सिंगल, शारदा मोदी एवं सोहन लाल मोदी के सहयोग से हुए कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद अमित सागर, शिक्षकगण आदि उपस्थित थे। सेठ निन्नुआराम चैरिटेबल पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी धौलपुर श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर एवं मयूरी सर्जिकल हॉस्पिटल मंजरी फाउंडेशन धौलपुर एक्सप्रेस क्लब धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 7वें मयूरी निशक्तजन कल्याण शिविर में दूसरे दिन 185 निशक्तजनों ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें से 82 निशक्तजनों को ट्राईसाइकिल, 26 को व्हीलचेयर, 30 को श्रवण यंत्र, 40 को कैलिपर, 17 को स्टिक का वितरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित उप पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र ने कहा कि प्रत्येक दिव्यांग भाई को अपने हितों का उपयोग करते हुए मतदान करना चाहिए और आपके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में पोलिंग बूथ पर भी विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने मयूरी विशेष विद्यालय के प्रबंधक को बधाई दी। शेर शिकार के महंत संत ठाकुरदास ने दिव्यांगों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा कि समय समय पर इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, इससे पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर मिलता है। डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने अतिथियों का सम्मान करते हुए कहा कि सामाजिक सरोकारों की कड़ी में हमारे द्वारा दिव्यांगों के लिए यह 7वां प्रयास है और हम निकट भविष्य में भी इसका प्रयोग आयोजनों का प्रतिवर्ष करते रहेंगे, जिससे जिले के पीड़ितों को सहायता मिल सके और वह भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इस अवसर पर एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव, जाहिद कुरैसी, संजीव श्रीवास्तव, राम कुमार गर्ग, शिव शंकर अग्रवाल, कन्हैया लाल शर्मा, नरेंद्र तोमर, मयूरी विशेष विद्यालय के निदेशक मधु गर्ग द्वारा भी अपना उद्बोधन दिया गया। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर द्वारा किया गया।